पर्यावरण संरक्षण की ओर टिहरी के युवाओं की एक सुंदर पहल। पर्यावरण को बचाने के लिए शासन प्रशासन व कई निजी संस्थानों द्वारा प्रयास किया जाता रहा है। ऐसा ही एक प्रयास टिहरी जिले के ग्राम सभा बनाली के कुछ युवाओं द्वारा शुरू किया गया है, जिसको कि मैती वृक्ष आंदोलन का नाम दिया गया है और ये मुहिम अब तेजी से राह पकड़ रही है। जब भी गांव में किसी लड़की की शादी हो तो लड़की अपने मायके मैत में एक फलदार वृक्ष लगाकर अपने ससुराल को जाए और वृक्ष के संरक्षण की जिम्मेदारी अपने मायके वालों को दे दे, ताकि उसकी अच्छे से देखभाल हो सके। शादीशुदा जोड़े द्वारा लगाया गया वृक्ष उनको उनकी शादी का दिन याद दिलाएगा और साथ ही शादीशुदा जोड़े की बहुत सारी भावनात्मक बातें उस पेड़ से जुड़ी रहेंगी। इस प्रकार से लगाए गए वृक्ष पर मैत्री पक्ष और दुल्हन दोनों का लगाव जुड़ा रहेगा, जिस कारण पेड़ का संरक्षण अच्छे से हो सकेगा। गांव में यह पहल शुरू करने वाले युवाओं में युद्धवीर, संदीप, महेंद्र, कुलवीर और संजय, जिन्होंने हाल में ही दो शादियों में दूल्हा दुल्हन से पेड़ लगवाए हैं। अब युवाओं ने इस संगठन को बड़ा बनाने की बात कही है, ताकि अन्य गाँव के युवा भी इस मुहिम का हिस्सा बन सके और पर्यावरण संरक्षण का बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार हो सके। युवाओं द्वारा गांव में चलाए गए मैती आंदोलन की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए प्रेम पौधे का रोपण किया, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ उनके प्रेम विवाह की खूबसूरत यादों को भी संजोए रखेगा और उन्हें समय समय पर उनके विवाह के खूबसूरत पलों की याद दिलाता रहेगा। जब लोग भावनात्मक रूप से वृक्षारोपण से जुड़े रहेंगे तो खुद ही वृक्षों की रक्षा करने लगेंगे। इस पहल से एक तरफ जहां पर्यावरण को संरक्षण मिलेगा तो वहीं रिश्तों में भी अपनेपन व अटूटता का एहसास बना रहेगा। कटते जंगल सुलगती आग, बढ़ता हुआ विकास पेड़ों का विनाश, आओ मिलकर करें पर्यावरण संरक्षण का एक छोटा सा प्रयास। TNN के लिए बनाली से अनिल सिंह की रिपोर्ट।